लापटांग केलर में एक मैग्रे मोहल्ले को जाना जाता है। मैग्रा मोहल्ला है 100 से अधिक परिवारों की तुलना में मूलभूत सुविधाओं से बाहर रखा गया है और मैग्रे मोहल्ले का ढेर ने तोड़ दिया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ अपना जोरदार गुस्सा और विरोध दर्ज किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सेवा विद्युत लाइनें पेड़ों पर और शताब्दी वर्ष पुराने लकड़ी के खंभे पर से गुजर रही हैं और ये सेवा लाइनें एकल ट्रांसफार्मर द्वारा पूरे महिला के बिजली प्रदान करने के लिए फाड़ दी जाती है। बिजली के खंभे के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सिंगल ट्रांसफार्मर पर 100 परिवारों का लोड आमतौर पर जलता है और अभी ट्रांसफार्मर जला हुआ है और किसी को भी इसे फिर से खोलने की जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। इस बीच उन्होंने कहा कि सड़क और पीने के पानी की स्थिति बिजली की तुलना में बहुत खराब है क्योंकि सड़क पर प्रत्येक इंच और उसके बाद हिस्से में छेद हो रहे हैं और पानी की आपूर्ति सप्ताह में एक बार की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे विरोध से अलग अलग तरीके अपनाने के लिए मजबूर हों जिससे पूरे जिले में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तावुन से ये तय किया कि हम इसको यहाँ पे फौरी तौर पे बिजली और पानी का जो है बंदोबस्त करेंगे ताकि यहाँ के जो मुलहिका शुपियन के अलावा भी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्टों से माल आता है एक बहुत बड़ी मंडी है इनको जो बेसिक मेन्यू फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे और इस मंडी को फंक्शनल बनाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें लोग जो है ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऑपरेशन ग्रीन का जो है उसमें दो किस्म के फ़ायदे यहाँ के फार्मर्स को ट्रेडर्स को कमीशन एजेंट्स को मिलने वाले हैं। उसमें ट्रांसपोर्टेशन में 50% सब्सिडी मिलेगी प्लस उसके अलावा स्टोर चार्जेस जो है अगर कोल्ड स्टोर में कोई अपना माल रखता है उस पर भी उनको सब्सिडी मिलेगी लेकिन उसकी प्रॉपर ट्रांजेक्शन और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनी है। ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये इस साल नई स्कीम जो है फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की तरफ से लागू हुई है J&K के लिए नोटिफाई हुई है और MIS के सिलसिले में आपको बताऊं कि MIS का प्रपोजल जो है वो हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है। उम्मीद है कि उस पर गौर किया जाएगा क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी सभी जो फार्मर्स की डिमांड थी ट्रेडर्स की डिमांड थी कि MIS इस साल फिर लागू होनी चाहिए। उसका प्रपोजल सेपरेटली चल रहा है लेकिन ये जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है मैं इस्तदा करूँगा आपके चैनल की वसातत से सभी जो इसमें बिजनेस करते हैं चाहे वो किसी भी फ्रूट का जो नोटिफाइड फ्रूट है उसमें उस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपनी जो माशी तरक्की जो है स्टेट की यूनियन टेरिटरी की उस माशी तरक्की में अपना भरपूर तावन अदा करें।